हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये NTSC स्टेज वन सीरीज़ में मैं यहाँ पर इस बार गुजरात के PYQs 2018-19 में जो स्टेज वन में पूछे गए हैं वो आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट। अब देखिए, एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड प्लस वाटर, ये आपको पता है बिल्कुल। जैसे एक एग्जाम्पल है एसिड और बेस का एग्जाम्पल NaOH। अब अगर ये इस रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए इसको भी देखते हैं। एसिड हो गया आपका HCl, मेटल ऑक्साइड हो गया आपका CaO। ये जब रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म CaCl2 प्लस H2O। बैलेंस कर दीजिए, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव बेस। तो लीजिए, हम लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर इज H2O। इसको हम देखते हैं ये क्या बनाएगा, H2CO3। तो ये एसिड है, बेस नहीं है। तो नॉट करेक्ट में आपका सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बाकी आप देखें, बेस प्लस मेटल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर। तो जैसे कि सोडियम एल्युमिनियम प्लस NaOH है, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका क्या बनाएगा, सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2 प्लस H2 प्लस H2, ये आपका फॉर्म होगा। तो यानी कि आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो उसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, विच इज़ अ वीक एसिड। तो वीक एसिड की बात हो रही है यहाँ पर, तो वीक एसिड यहाँ पर कौन है, ऑक्जैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑफ कोर्स ऑक्जैलिक एसिड आपका वीक है क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दे आर वीक। बाकी ये सभी इनऑर्गेनिक हैं और इनऑर्गेनिक में भी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेल नोन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये, आपको इनके बारे में पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, विच इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिडिटी के काम आता है, एसिडिटी को रोकने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लॉ वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए ग्राम ऑफ गोल्ड। ये NCERT की स्टेटमेंट से आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ग्राम गोल्ड से आप कितनी लंबी वायर बना सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर है, ये गिवन है 2 किलोमीटर। ओके, तो ये आपका जो डक्टिलिटी होती है उसको शो करता है गोल्ड की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अलॉय इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टैचूज। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैचूज वी मोस्टली यूज ब्रॉन्ज, विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ मेटलर्जी। सो रिडक्शन, रोस्टिंग, कोरोजन, कंसंट्रेशन। सो कोरोजन इज नॉट एन स्टेप ऑफ मेटलर्जी। ओके, इट इज़ एन स्टेप और इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। What is the formula of carbon tetrachloride? तो carbon tetrachloride नाम से ही लग रहा है आपको कि option A, CCl4, tetra means 4. तो option A is correct answer. So, अगर आप लोग prepare करना चाहते हैं JEE NEET Foundation for NTSC, so you can join us on an academy. और यहाँ पर it is an India's largest learning platform. यहाँ पर आप अपनी class 8 से class 9, 10th की सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर NCERT, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन, एंड हियर आल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड एंड गेट ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो दिस इज़ वेरी इसेंशियल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे, दैट इज़ लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, and there will be regular doubt clearing and answer writing sessions, and live test series will be there, and even study material PD and PDF format will be provided to you. So, और अगर इसमें आपको देखा जाए तो और क्या क्या benefit है, there are many benefits,
हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट्स प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं टीचर्स के अलावा। मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू, आपके डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं। प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेज है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है। ओके, सो आइकॉनिक मीन्स द मेन फीचर ऑफ आइकॉनिक इज अबाउट द पर्सनल कोचिंग। ओके, स्टडी प्लानर है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंस्टेड ऑफ प्लस यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 मंथ्स का, सपोज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, ओके, एंड इन 9th स्टैंडर्ड यू वांट टू एनरोल फॉर जेई नीट फाउंडेशन फॉर 4 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों के बेनिफिट्स आपको दिखाए हुए, रेट्स आपको दिखाए हुए। प्लस के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है। ठीक है, नो कॉस्ट ईएमआई इज आल्सो अवेलेबल। अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन थ्री फॉर 3 ईयर्स कोर्स, सो दे विल बी गेटिंग 36 मंथ्स पैकेज फॉर प्लस, दिस इज द रेट, दिस इज फॉर आइकॉनिक 24 मंथ्स, एंड दोज हुआ इन क्लास 9th दे कैन टेक 24 मंथ ऑल्सो इफ दे आर प्लानिंग टू टेक NTSC सॉरी नीट एंड जी कोर्सेज आफ्टर कम्प्लीटिंग देयर 10th, then they can join enroll for 24 month courses and 12 month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th. Okay, so this is the main package we have. Okay, so now don't pay this price. Okay, now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription and if you use my referral code, that is chemistry files, okay, in that case you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting. Okay, so for 10% discount you can use the code chemistry files. Okay, so and if there is any query you can call me on this number. So link number is again given in description, link is also in description. Enroll, subscribe to the Telegram channel and subscribe to this channel also. So next question is, what is the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit? So here we have to follow octet rule. Okay, so they have not given that which orbit they are talking about. So according to octet rule, we can have 8 electrons. Okay. Now next question is, the melting point of ice is? So the melting point of ice is 0 degree Celsius. And in Kelvin it will be 273.15 Kelvin. So option A is correct. Next question. DAS is not an example of aerosol. Okay. So we can see here that fog, cloud, mist, they all are aerosol. This is from the chapter, first chapter, where they are talking about colloidal solution in class 9th. But shaving cream is foam. So shaving cream is not an example of aerosol. These examples you have to remember. Next question, who gave the definition of an element? So definition of an element was given by Robert Boyle. Option A is the correct answer.
तो इसी के साथ हम लोग का ये डिस्कशन गुजरात PYQ का ख़त्म होता है। इसमें आपको मैं बता दूं कि नीचे टेलीग्राम लिंक दी हुई है, उस टेलीग्राम लिंक पर आप जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।